तो दोस्तों फाइनली लकी व्हील इवेंट को कंफर्म कर दिया गया है। क्या बात कर रहे? वैसे तो लकी व्हील इवेंट को इस मंथ का फर्स्ट वीक के लिए शेड्यूल किया गया था, तो फिर पता नहीं करने वालों को कहां से ये आइडिया आ गया कि लकी व्हील इवेंट को पोस्टपोन करके गेम केंद्रित 33 मिशन ऑफ ला दिया। ये भगवान क्या जुलूम है। पर अब फाइनली लकी व्हील इवेंट को भी कंफर्म करा दिया गया है। आज के इस वीडियो के अंदर उसका रिव्यू देखने के साथ साथ मैं आप लोगों को उसका कंफर्म डेट भी बता दूंगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। जल्दी अपनी फ्री फायर के अंदर साइलेंस नामक एक इवेंट आने वाले, जिसके अंदर सबके आइटम्स तो आने ही वाले हैं, पर इनमें से कुछ आइटम्स हम लोग को फ्री ही मिल जाएंगे, जिनका रिव्यू भी हम लोग आज के इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। आर। हमारे फ्री फायर के अंदर तो आप लोगों को इवो वॉल्ट, इवो बोनस जैसे इवेंट देखने के लिए मिलते रहते हैं। पर जल्दी हमारे गेम के अंदर एक और इवेंट भी आने वाला है, जिसका नाम है इवो फेट इवेंट। तो इवेंट कैसा है, कब तक ये अपने गेम के अंदर आएगा, वो भी आप लोगों को बता दूंगा। या। इससे ही समझ सकते हो ये वीडियो आप लोगों के लिए कितना ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, तो इसे कभी भी स्किप मत करना। अब चलिए फिर बिना किसी देरी के बिना किसी वक्त और बात किए शुरू करते अपना आज का वीडियो एंड शुरू करते अपना आज का कार्यक्रम। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? नमस्ते, वहर था समस्ते। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं गेम के अंदर आने वाला न्यू इवो फेट इवेंट के बारे में। भाई इसका नाम सुनकर कितना ज्यादा ग्रैंड फील हो रहा है ना, इवो फेट इवेंट, मतलब कुछ तो बड़ा होगा, कुछ तो नया होगा। इवो फेट इसका नाम है, मतलब हम सभी की किस्मत में 4 चांद लग जाएंगे। चंद से जो टूटे कोई सपना, मैं तो टूट गया। दोस्तों दरअसल ये कोई नया इवेंट नहीं है, ये एक्चुअल में इवो बोनांजा इवेंट ही है, पर गरना वाले ना कूल बनने के लिए इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया है। बाकी ये वाला इवेंट ओपन होने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस टाइप के इंटरफेस शो के आ जाता है, जहाँ पे होता क्या है, क्या जो जो गन्स आप लोगों के पास ऑलरेडी मैक्स होता है उसके पीछे आप लोगों को कोई भी ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलते है, बस नीचे लिखा हुआ आ जाता है इवो गन मैक्स। पर जो जो गन आप लोगों का मैक्स नहीं होता है, जैसे कि मान लो ये इवो एक्सेमेंट का स्किन हो गया है ना, तो जो भी गन्स मेरे पास मैक्स नहीं है उसके नीचे हम लोग को गेट टोकन्स का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो सिंपली हम लोग को उस गेट टोकन्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, और जैसे हम लोग ये करते हैं हमारे सामने ना कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है। जितने भी हम लोग को टोकन चाहिए, मतलब 20 टोकन भी अगर चाहिए उसके ऊपर भी डिस्काउंट मिलेगा, 180 टोकन भी अगर हम लोग को चाहिए तो हम लोग को उसमें भी डिस्काउंट मिलेगा। बाकी बात कर ली इवो फेट इवेंट के बारे में, उसका भी सेम ही कॉन्सेप्ट रहने वाला है। ऊपर से अभी से इसका कंफर्म डेट भी पता चल चुका है। बताना। अरे कोई ना, चलो बता ही देता हूँ। ये जो इवो बोनांजा ये फिर इवो फेट इवेंट, ये आप लोगों को गेम के अंदर 21 मई को नजर आ जाएगा। बाकी ये देखिए मेरे पास 1714 मैक्स पड़ा है, तो दूसरी साइड इवो N94 मेरे पास लेवल 1 का पड़ा है, इवो थॉम्सन मेरे पास मैक्स पड़ा है, तो वहीं पे इवो एक्सेमेंट का स्किन मेरे पास लेवल 2 का पड़ा है। बाकी जो जो गन्स हमारे पास मैक्स नहीं पड़े होते उन सारे गन्स को मैं इस इवो बोनांजा इवेंट को यूज करके मैक्स करता हूँ। पर क्या आपको ये जानना है कि मैं इतने सारे डायमंड्स कहाँ से लाता हूँ, बताओ? दोस्तों इस टाइम पे मेरे अकाउंट के अंदर 80,000 से भी ज्यादा डायमंड्स हैं, जिसे देख के डेली आप लोग वीडियो के अंदर पूछते रहते हैं, राज भाई आपके पास इतने डायमंड्स कहाँ से आए? अभी बताता है भाई, अभी बताता है। तो ध्यान से सुनो, मेरे पास ना एक बढ़िया सा ट्रिक है, अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी, जिसके लिए वीडियो के अंदर मैं आप लोगों का 1 मिनट से भी कम टाइम लूंगा, और बदले में आप लोगों को फ्री डायमंड्स, गूगल प्ले रिडीम कोड सब मिलेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप लोग को इस वीडियो के टाइटल के ऊपर क्लिक करना है, और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है इसके ऊपर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, और यहाँ पर आप लोग को देखने के लिए मिलेगा डाउनलोड ऑन गेट 550 रुपए। जी हाँ दोस्तों, आपको 550 रुपए का बोनस मिलेगा। तो अब सोचना क्या, जल्दी से वो जो आपको डाउनलोड कर लो, उसके बाद जैसे ही आप लोग इसके अंदर जाओगे तो आपको किसी नए नंबर से रजिस्टर करना है, और ये बहुत जरूरी है, इसलिए नए नंबर से ही रजिस्टर करना, क्योंकि अगर आप किसी पुराने नंबर से रजिस्टर करते हो उसमें आपने पहले से वो जो आपको रजिस्टर कर रखा है, आपको ये 550 रुपए नहीं मिलेंगे, इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ नए नंबर से रजिस्टर करना है। अगर आपने पहले कभी वो जो आपको डाउनलोड नहीं किया है तो आप इसी नंबर से ही कर सकते हो। बाकी जैसे ही आप लोग इसके अंदर रजिस्टर करते हो उसके बाद आप लोग को एक गेम खेलना है। यहाँ पे आपको 100+ गेम्स देखने के लिए मिलेंगे, इनमें से पैसे वाले गेम्स भी हैं, फ्री वाले गेम्स भी। आपको एक फ्री वाला गेम खेल लेना है, जैसे ही आप एक गेम खेल लोगे आपको अपना बोनस मिल जाएगा। देखो ऊपर 550 रुपए का बोनस आ चुका है, फिर आपको क्या करना है, उस बोनस वाले पैसे से और भी गेम खेल सकते हो, आप लोग और भी पैसे जीतोगे। तो गेम खेलते जाओ, पैसे जीतते जाओ, एक बार आपके पास बहुत सारे पैसे आ गए, इजीली आप लोग उन पैसों को फोन पे के अंदर ले सकते हो, फिर यहाँ से आप लोग डायरेक्ट गूगल प्ले रिडीम कोड भी ले सकते हो, डायरेक्ट अपने फ्री फायर के अकाउंट के अंदर टॉपअप भी मार सकते हो। ये देखो विंजो से जीते हुए पैसे से मैंने यहाँ पे 400 रुपए का टॉपअप मार लिया, ऊपर से अभी अपने गेम के अंदर 100% बोनस डायमंड टॉपअप भी चल रहा है, तो फटाफट से एक्स्ट्रा डायमंड्स को भी यहाँ पे हम लोग क्लेम कर लेते हैं। आप लोग भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से विंजो डाउनलोड करो, और न्यू नंबर से रजिस्टर करके गेम्स खेल के फ्री फायर के अंदर डायमंड टॉपअप कर लो। बाकी अभी के लिए चले दोस्तों, बढ़ते इस वीडियो के अंदर आगे, बात कर लेते हैं साइलेंस थीम के सभी आइटम्स के बारे में। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को कुछ इस टाइप का एक बंडल देखने के लिए मिल जाता है, जिसका नाम है ब्लेड ऑफ द साइलेंस बंडल। इस बंडल का खासियत ये है, जब आप लोग गेम के अंदर भागोगे, स्प्रिंट मारोगे, तो फिर आप लोग के पीछे के साइड में कुछ इस टाइप का एनिमेशन आएगा। इसे अगर देखा जाए तो इस बंडल के अंदर बहुत ज्यादा कुछ भारी वाला एनिमेशन तो नहीं डाला गया है, बंडल ना बहुत ज्यादा सिंपल है, पर जब आप लोग भागोगे आप लोग के पीछे के साइड में कुछ इस टाइप का एनिमेशन आएगा, और इस टाइप के एनिमेशन का आजकल ना गेम के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड है।
नेक्स्ट आइटम आप लोगों को कुछ इस टाइप का एक बढ़िया सा बैकपैक भी दिखने के लिए मिल जाता है जिसका नाम है बैग ऑफ साइलेंस। पर जब आप लोग इस बैग को थोड़ा गौर से देखोगे आप लोग इस बैकपैक के ऊपर के साइड में एक बच्चे का सर दिख जाएगा, मतलब कोई बच्चा चुरा के भाग रहा है। फिर ये देख सकते हो लेवल 2 और लेवल 1 के ऊपर ये वाला बैकपैक कुछ इस टाइप का आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। जो भी कहो यार बैकपैक काफी ज्यादा बढ़िया है और हो सकता है बैकपैक भी आप लोगों को फ्री मिल जाए। अगर इस थीम का अगला आइटम आप लोगों को कुछ इस टाइप का एक AWM का स्किन देखने के लिए मिल जाता है जिसके अंदर आप लोगों को डबल मैगजीन प्लस, सिंगल मूवमेंट स्पीड प्लस और लूट स्पीड सिंगल माइनस देखने के लिए मिल जाता है। एक लेजेंडरी स्किन है, एट्रीब्यूट भी इसके अंदर अच्छा है, तो हो सकता है करने वाले इस वाले AWM का स्किन को किसी ना किसी लकड़ वाले के अंदर डाल दे। बढ़ते वीडियो के अंदर आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट आइटम। तो नेक्स्ट आइटम हम लोग को कुछ इस टाइप का एक बढ़िया सा पैरंग का स्किन भी दिखने के लिए मिल जाता है। दोस्तों पैरंग का स्किन ना काफी ज्यादा मस्त लगा मेरे को, हालांकि इसके अंदर आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई भी एनिमेशन वगैरह नजर नहीं आता है, पर फिर भी जिस तरीके से इसको बनाया गया है ना भाई, गेम के अंदर इसको पकड़ते हुए एकदम गैंगस्टर वाली भाई भाई। आइंदा से मेरे खिलाफ बगावत की कार्ड डालूंगा, झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। खैर दोस्तों क्योंकि इसके अंदर किसी भी टाइप का एनिमेशन नहीं है, देखने में काफी ज्यादा सिंपल सा लगता है। मोस्ट प्रोबेबली ये भी आप लोगों को गेम के अंदर किसी ना किसी फ्री इवेंट के अंदर से मिल जाएगा। हमारा अगला आइटम है कुछ इस टाइप का एक बैट का स्किन जिसका नाम है बैट बीम ऑफ साइलेंस, जो कि देखने में किसी चुड़ैल का जादुई छड़ी जैसा दिखता है। और ये मेरे ख्याल से आप लोगों को किसी ना किसी पेड इवेंट के अंदर दिखने के लिए मिल जाएगा क्योंकि इसके अंदर एनिमेशन वगैरह डाल रखा है ना, इसलिए इसका थोड़ा सा भाव बढ़ जाता है। बाकी सेम थीम का अगला आइटम आप लोगों को कुछ इस टाइप का एक लूट बॉक्स दिखने के लिए मिल जाता है। ये दोस्तों एक ब्रीफकेस है जिसके अंदर से सोना चांदी ऐसे उछल के बाहर निकल रहे हैं यार। ये वाला आइटम भी आप सभी को बिल्कुल ही फ्री में देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट आइटम हम लोग को कुछ इस टाइप का एक स्काईबोर्ड या फिर सर्वर कुछ भी कह लो, ये देखने के लिए मिल जाता है। भाई अच्छा तो है पर इसके अंदर एनिमेशन ही नहीं है यार, मतलब आज की डेट पे फ्री फायर के अंदर अगर कोई ऐसा मिशन आता है जिसके अंदर से आप लोग को एक लेजेंडरी एनिमेटेड सर्वर भी फ्री में मिलता है ना, लोग तब भी उस मिशन को कम्प्लीट नहीं करते। पर देखो करने वाले आज भी ऐसे सर्वर को डिजाइन कर रहे हैं। बाकी अभी तक मैंने आप लोगों को साइलेंस थीम के सभी आइटम्स भी दिखा दिया और कौन कौन से आइटम्स इधर से आप लोगों को फ्री मिलेंगे वो भी बता दिया। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अभी के लिए चले दोस्तों इस वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हमारे फ्री फायर के अंदर आने वाले कुछ छोटे मोटे इवेंट्स के बारे में। तो अभी हमारे गेम के अंदर समर होमवर्क पार्ट 2 चल रहा है जो कि 19 मई को खत्म भी हो जाएगा, जिसके बाद कुछ ऐसा लिख हम लोग को मिल रहा है कि समर होमवर्क पार्ट 3 भी आने वाला है। ये पार्ट 3 हम लोग को गेम के अंदर 20 मई से 26 मई तक यानी कि 7 दिन तक दिखने के लिए मिल जाएगा और इसके अंदर से भी हम लोग को वही समर वाले वाउचर से मिलेंगे। लेकिन दोस्तों टेंशन नहीं लेने का क्योंकि जल्दी हमारे गेम के अंदर समर होमवर्क पार्ट 4 भी आने वाला है जिसमें उम्मीद करते हैं करने वाले कुछ तो ऐसा रिवॉर्ड देंगे जिसे देख के हम सभी के रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। ये बाकी चले दोस्तों अभी हम लोग बात करने वाले हैं आज का हमारे इस वीडियो का मेन टॉपिक के बारे में, यानी कि गेम के अंदर आने वाला नेक्स्ट लकी व्हील इवेंट के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। कब तक ये हमें गेम के अंदर देखने के लिए मिल सकता है ये भी आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया था जल्दी जल्दी वीडियो को एक बार लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ सर्वे वाला बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे डाल देना अगर आप लोग ऐसे ही मस्त वीडियो रोज देखना चाहते हो तो। ठीक है समरिया। तो फाइनल दोस्तों अभी हम लोग बात कर लेते हैं गेम के अंदर आने वाला न्यू लकी व्हील इवेंट के बारे में। पहले जिसे आप लोगों को पता होगा गेम के अंदर मेन डिस्काउंट इवेंट मिस्ट्री शॉप ही हुआ करता था, पर दिन ब दिन करने वाले उसके अंदर रिवर्स को इतना ज्यादा घटिया बना दिया इसलिए आजकल हर कोई बंदा लकी व्हील इवेंट का ही इंतजार करता है क्योंकि लकी व्हील इवेंट के अंदर आप लोगों को बढ़िया बढ़िया रिवर्स मिलते हैं। सही कह रहे हो सर आप, बहुत सही कह रहे हो। बाकी दोस्तों स्क्रीन के ऊपर अभी आप लोगों को ट्रैफिक सिग्नल वाला बंडल देखने के लिए मिल रहा होगा और ये है उसका फीमेल वर्जन। रिसेंटली बाहर के जितने भी सर्वर के अंदर जो जो भी डिस्काउंट इवेंट आया था अभी मैंने आप लोगों को दो अलग अलग डिस्काउंट इवेंट दिखा दिया, उन सारे इवेंट्स के अंदर ये दोनों बंडल्स कॉमन थे इसलिए हमारे गेम के अंदर जो नेक्स्ट लकी व्हील इवेंट आने वाला है उसके अंदर भी आप लोगों को यही वाला बंडल देखने के लिए मिल जाएगा। बात कर ले ये इवेंट आप लोगों को गेम के अंदर कब तक देखने के लिए मिलेगा उसके बारे में, एक डिस्काउंट इवेंट तो मंथ के शुरू में आता है वो तो आ चुका है जो कि मिस्ट्री शॉप ही था, पर एक और डिस्काउंट इवेंट आप लोगों को मंथ के एंड के टाइम पे देखने के लिए मिलता है इसलिए 25 से लेकर के 27 तारीख के बीच में आप लोग गेम के अंदर से अपना न्यू लकी व्हील इवेंट को एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी विद्यार्थी चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं।